बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एसएलएसएम, वेलकम टू सिक्स सोशल स्टडी क्लास। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम जो है जियोग्राफी का यूनिट जो है यूनिट नंबर 16 जो है पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स माउंटेन्स के बारे में और अदर लैंड फीचर्स के बारे में। ये पेज नंबर बच्चों 66 है, आप ओपन कर लें। सबसे पहले हम माउंटेन्स के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या है। माउंटेन्स आर द लार्जेस्ट ऑफ द अर्थ लैंडफॉर्म, दे आर स्लोपिंग हाई लाइंस यूजुअली अबव 300 मीटर जो है ऊपर होती है। दे आर मेनी अनयूजुअल फीचर जो है माउंटेन्स, दे आर फाउंड इन ग्रुप्स कॉल्ड माउंटेन रेंजेस। जो ग्रुप्स में होती हैं उनको क्या कहते हैं, माउंटेन रेंजेस, ठीक है। इसके अलावा आर स्टैंड अलोन एज, कुछ इसमें से होती हैं अकेले जो है अलान होते खड़े होते हैं लॉन माउंटेन्स, ये पहाड़ होते हैं। दे आर है पॉइंटेड राउंड, ये राउंड में भी होते हैं पॉइंटेड और फ्लैट टॉप्स में भी, ठीक है। सम माउंटेन्स हैव स्टीप स्लोप्स में होते हैं, इट इज डिफिकल्ट, इन पे क्या होता है डिफिकल्ट होता है चढ़ना, क्लाइंब देम। माउंटेन्स समटाइम्स फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्रीज, समटाइम्स क्या होता है कि एक कुदरती बाउंड्रीज की किस्म होती है बिटवीन कंट्रीज के दरमियान, एंड आर द बर्थ प्लेसेस जहाँ पर मेनी इंपॉर्टेंट रिवर्स होते हैं, ठीक है। दे आल्सो अफेक्ट वेदर पे भी और रेनफॉल पे भी काफी इनका अफेक्ट होता है। आगे जो है हाउ आर माउंटेन फॉर्म्ड, माउंटेन जो है इनकी थ्री फॉर्म्ड है, ठीक है। एक इनमें बाय पुशिंग एंड फोल्डिंग प्लेट्स आती है, दूसरी इनमें वॉल्केनिक एक्टिविटी आती है, तीसरी बाय लैंड ड्रिफ्टिंग। फोल्ड जो माउंटेन्स है और फॉर्म व्हेन टू कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है पुश करती है एक दूसरे को, ठीक है। द लैंड इज पुश्ड अप, जो जमीन है इज पुश्ड अप होती है इन फोल्ड्स में फॉर्मिंग माउंटेन्स, हिमालयस एंड्स एंड आल्प्स जो है ये फोल्ड माउंटेन्स। दूसरी वॉल्केनिक जो माउंटेन्स है बच्चों वो माउंटेन आर क्रिएट डिफरेंट वेज में क्रिएट होती है, पैदा होती है। लावा जो है मोल्टन रॉक है, ठीक है, जो पिघलने वाला होता है। फ्रॉम द मेंटल ऑफ द, जो मेंटल है अर्थ की जो परत है, ठीक है, जो तय है उससे प्लेट जो मूवमेंट है फोर्सेस द लावा, वो लावा को फोर्स करती है जब इनकी मूवमेंट हो रही होती है टू कम आउट, कि वो बाहर आए थ्रू क्रैक्स के जरिए। जब वो क्रैक्स उसमें पड़ता है जमीन में तो वो बाहर आए इन द क्रस्ट से और थ्रू आउट वोल्केनोस। व्हेन दिस लावा पाइल्स अप कूल एंड हार्डन्स इट फॉर्म रॉक्स एंड वोल्केनिक, जब ये जो लावा है पिघल कर निकलता है फिर ठंडा हो जाता है तो वो एक सख्त बन जाता है, एक चट्टान बन जाती है पहाड़ के। कुछ आइलैंड आर एक्चुअली पीक ऑफ अंडर वाटर वाले। फिर फॉल्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स है, ठीक है, आर फॉर्म व्हेन टू प्लेस मूव अपार्ट, जब वो मूव करती है एंड अ ब्लॉक ऑफ लैंड, जमीन का जो ब्लॉक है इज पुश्ड अप, पुश्ड अप होता है। हिल्स है फिर हाई एरिया जो होते हैं लैंड का विच आर lower than 300 meters are called hills कहलाता है। ये usually ही है rounded peaks में होती है। इसी तरह they have softer edges, जो इनकी softer जो है soft नरम जो किनारे होते हैं and rolling appearance, तो rolling होने वाला जो जाहिरी हालत होती है usually covered होती है with wild flowers के जंगली जो फूल हैं, दरख्त हैं, शरब झाड़ियों, घास घास वगैरह से। 68 पेज में प्लेचियल के बारे में है। ये जो एरिया होता है हाई लैंड होता है, फ्लैट होता है, लेवल इनका टॉप्स पे एक्चुअली ब्लॉक माउंटेन्स होती है और आल्सो कॉल्ड टेबल माउंटेन कहलाती है, बिकॉज क्योंकि देयर अपीयरेंस जो होती है उस वजह से हाई हालत की वजह से प्लेट्यू क्लासिफाई ऑन बेसिस इनकी सराउंडिंग जो है बी हाउ दे आर फॉर्म, कैसे जो है फॉर्म। एक नंबर वन में इंटर माउंटेन जो है माउंटेनिक प्लेट्यू जो है हाईएस्ट प्लेट्यू दुनिया की, found between mountains or surrounded by mountains on all sides se hoti hai। Aage Tibetan plateau and plateau of Bolivia, Peru jo hai Mexico intermontane plateau, aage Piedmont plateau jo hoti hai wo mountains on one side and a plain or sea in on the other dusri side se samandar hai। The Colorado plateau is one such plateau। आगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू आमतौर पर फाउंड नियर कोस्टल प्लेन्स पे होती है, अब ये दूर होती है फ्रॉम माउंटेन्स से। आगे इसमें दक्कन प्लेट्यू भी आ रही है और प्लेट्यू ऑफ स्पेन की है, ऑस्ट्रेलिया और कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। नेक्स्ट हमारे पास जो है लावा है फॉर रिपीटेड वोल्केनिक एक्टिविटी है, फॉर्म
वॉल्केनिक प्लेटियो कहलाती है। ये जो लावा स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया में फैल जाता है, फिर हार्डन्स ओवर टाइम के लिए, मतलब उसके बाद ये ओवर टाइम इसका जब हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, फिर सख्त हो जाता है। कोलंबियो एंड वॉल्केनो प्लेटियो है। कुछ प्लेटियो जो होती है रिजल्ट ऑफ ओरियन तोड़ फोड़ माउंटेन्स की जब होती है, तब रनिंग वाटर जब पानी तेजी से जा रहा है, यूजुअली रिवर्स आर ग्लेशियर्स। एग्जाम्पल ऑफ सर प्लेटियो आर प्लेटियो ऑफ रशिया की ब्राजील है, फाइनलैंड है। आगे विंड ओरियन जो होती है इज एन अदर काज, ये दूसरी वजह है प्लेटियो फॉर्मेशन की तश्कील होने की। पटवार प्लेटियो पाकिस्तान के आर फॉर्म बाय विंड ओरियन, जो हवा होती है ओरियन की और मेनी एरियस काफी सालों से तोड़फोड़ जब होती है तो ये प्लेटियो की दूसरी वजह। 69 पेज पे प्लेन्स है, मैदान के बाद प्लेन्स आर जो है फ्लैट लैंड, ये बिल्कुल फ्लैट होती है इनकी जमीन, बेस्ट प्लेसेस जो होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग काश्तकारी के लिए। प्लेन्स जो है मे बी क्रिएटेड बाय ओरियन से भी हो सकता है, ठीक है, मतलब जब तोड़ फोड़ होती है, डिपोजिशन बाय रिवर्स की एंड ग्लेशियर्स की वोल्केनिक एक्टिविटी। पाकिस्तान में जो प्लेन्स है सिंध पंजाब अलॉन्ग द रिवर इंद्रस के साथ हैं आर द बेस्ट रीजन फॉर एग्रीकल्चर के लिए, बेस्ट है। प्लेन्स आर कवर्ड बाय वैरायटी ऑफ वेजिटेशन से कवर होते हैं, ग्रास से, ट्रीज से, ग्रास प्लेन्स विदाउट एनी ट्रीज आर कॉल्ड स्टेप्स आर प्रेरीज कहलाते हैं। कुछ जो मेजर काइंड्स बताई गई हैं प्लेन्स की, इनमें कोस्टल प्लेन्स आ रही हैं, एलुवियल प्लेन्स हैं, और इसके अलावा इन सब एरियाज में रेगुलरली आउटफ्लोज देयर बैंक्स एंड फ्लॉड प्लेन्स स्प्रेड। इसके अलावा जो है लावा प्लेन्स आगे ग्लेशियर प्लेन्स, ये सारे उनकी एग्जाम्पल। आगे जी पेज नंबर 70 पे आप आए, इसमें डेजर्ट के बारे में बता रहे हैं। Deserts are vast tracts of land that receives little or no rainfall throughout the year. Deserts के बारे में बता रही हैं, जो सहरा होता है, vast area होता है, tracts of land जमीन का, जहाँ पर receives होती है little, बहुत थोड़ी, या throughout the year, या बहुत कम जो है इसमें, या कभी होती ही नहीं, या बहुत थोड़ी जो है यहाँ पे बारिश होती है। ये जो ड्राई होता है, बंजर किस्म का होता है, सख्त होता है, वेजिटेशन हम देखें एक्सेप्ट सवाई लिमिटेड वेराइटी होती है, इनमें पॉल्म ट्री होगी, कैक्टस, मिलर, इसी तरह। डेजर्ट में भी ये सैंडी भी हो सकता है बच्चों, और ये रॉकी भी, चट्टानों वाला भी होता है। टेम्परेचर हम देखें तो शदीद किस्म का हॉट होता है सारा दिन, देखें फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट, लेकिन मतलब रात के बाद ठंडा होता है। लिटल जो रेनफॉल है, जो थोड़ी जो बारिश होती है, अकर्स इज ऑफ हार्डली एनी इम्पोर्टेंस, बहुत ही कम मतलब यहाँ पे होती है। डेजर्ट जो है बहुत हॉट भी होता है, कोल्ड भी होते हैं, जबकि हॉट जो डेजर्ट होते हैं वो सैंडी होते हैं और ड्राई होते हैं। कोल्ड डेजर्ट जो होते हैं कवर्ड होते हैं बर्फ से, अनएबल होते हैं वो स्पोर्ट लाइफ को जो सपोर्ट करने। हार्ड डेजर्ट जो होते हैं क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज में शामिल, एक्सट्रीमली एरिड लैंड होती है विच रिमेन्स विदाउट जो है वो रेनफॉल होती है थ्रू आउट, और एरिड लैंड जो होती है रिसीव लेस होती है, कम 250 मिलीमीटर इंचेस जो है रेन बारिश जो सारा से। सेमी एरिड जो लैंड होती है ये बिटवीन 250 से 500 मिलीमीटर, इसमें मतलब 10 टू 20 इंचेस जो है बारिश होती है सालाना। आगे एक्सट्रीमली हीट है फ्रॉम द सन, इक्वेटर क्रिएट्स हॉट विंड होती है, इसकी चलती है ट्रेवल जब हम करें ट्रूप्स की तरफ, ट्रॉपिक्स की तरफ, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ रेनफॉल है ड्यू टू फिजिकल रीजन है इसकी कुछ, और लाइक द क्लाइमेट ऑफ प्लेस लोकेशन हम देखें तो लार्ज वाटर बॉडी होता है इसमें काफी पानी, गोबी डेजर्ट है इनमें एग्जाम्पल। इसकी रेन शेडो हम देखें तो, जबकि माउंटेन्स जो है ब्लॉक रेन ब्लॉक होती है, मतलब बने होते हैं रेन बीरिंग क्लाउड्स होते हैं फ्रॉम रीचिंग अ प्लेस, डेथ वैली जो है इसमें। इसके अलावा कोल्ड जो डेजर्ट होते हैं अंटार्कटिक जो है फॉर्म बिकॉज आइस, क्योंकि बर्फ और की वजह से नेवर कभी मेल्ट नहीं होती, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो जहाँ पर नहीं जो है ग्रो। बिग जो बिगेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का वो हम देखें एरिया ऑन द अंटार्कटिक डेजर्ट, ठीक है, आर्टिक डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट एंड द कलहारी डेजर्ट है, ये बिगेस्ट है। ये बच्चों हमारा ये कम्प्लीट हो गया, अब हम जो है इसका जो काम है वो करेंगे, अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें, मार्जिन लाइन बच्चों लगा लें, डे टू डे मेंशन करें, यूनिट का नाम लिखें,
क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर वन है, ऑन व्हाट बेसिस आर प्लेट्यू क्लासिफाइड. आंसर लिखें, प्लेट्यूज आर क्लासिफाइड बाय देयर सराउंडिंग्स एंड द मेथड ऑफ फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल प्लेट्यूज. आंसर लिखें, इंटरमोंटेनी प्लेट्यूज. इसमें लिखें द तिब्बतन प्लेट्यू एंड द प्लेट्यू ऑफ बोलिविया, पेरू एंड मेक्सिको, MEXIO. नेक्स्ट है नंबर टू, पाइडमोंट प्लेट्यू. इसमें अंदर लिखें क्लोराडो प्लेट्यू, पेंसिलिन. नंबर थ्री है कॉन्टिनेंटल कंटिनेंटल प्लेट्यू. कंटिनेंटल प्लेट्यू के अंदर लिखें द दक्कन प्लेट्यू, कॉमा प्लेट्यू ऑफ स्पेन एंड ऑस्ट्रेलिया, फुल स्टॉप. नंबर फोर है वॉल्केनिक प्लेट्यू. इसके अंदर लिखें, ये जो हेडिंग्स है ये सारी बच्चों मार्कर से देनी है. अब अंदर से पेन से लिखें द प्लेट्यू ऑफ कोलंबिया. आप जो लिखें ओरियन ऑफ माउंटेन. प्लेट्यू ऑफ रशिया, ब्राजील, फिनलैंड, ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका. ANTARCTICA. अब विंड अरेयन है द पोटवार प्लेट्यू ऑफ पाकिस्तान. अगला क्वेश्चन नंबर थ्री लिखें, गिव द रीजंस व्हाई वाटर इज स्केयर इन डेजर्ट. आंसर लिखें, द वाटर इज स्केयर इन डेजर्ट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर और लिटिल आर नो रेनफॉल, सैंडी एंड रॉकी लैंड. आगे जी क्वेश्चन नंबर फोर है बच्चों, व्हाई इज एन ऑसिस इंपॉर्टेंट फॉर डेजर्ट वैली. आंसर लिखें, एन ऑसिस OASIS इज इंपॉर्टेंट फॉर डेजर्ट डेवलर्स DEWELERS डेवलर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स वाटर इन हॉट बैरन एंड ड्राई प्लेसेस. बैरन होता है बंजर, BARREN. आगे आप फिलिंग द ब्लैंक्स की हेडिंग बच्चों दें. नंबर वन, माउंटेन्स आर द डैश ऑफ द अर्थ लैंडफॉर्म. डैश में लिखें LOFTIES, LOFTIES. नंबर टू है द हाइएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड आर डैश प्लेट्यू. ब्लैंक में लिखे इंटरमोंटेनी, INTERMONTANNE. नंबर थ्री है द डैश प्लेट्यू ऑफ पाकिस्तान वॉज फॉर्म बाय विंड एरोयन. ब्लैंक में लिखे पोटवार, POTOHAR. नंबर फोर है द डेजर्ट्स आर ड्राई एंड डैश ट्रैक्स ऑफ लैंड with little or one vegetation, full stop. Blank में लिखें barren, BARREN. Number fifth है Alps Himalaya edges, ADGES. And rocks are example of dash mountains. Dash में लिखें fold. Edges ANDGES. आगे MCQs की हेडिंग दें. चौगी एंड भक्ति, BUGTI. हिल्स आर भक्ति हिल्स आर लोकेटेड इन डैश. ऑप्शन ए पंजाब, बी ऑप्शन सिंध, सी ऑप्शन है बलूचिस्तान. Oh.
और जो डी ऑप्शन है गिलगित है. राइट ऑप्शन है बलोचिस्तान. नंबर टू प्लेन्स आर डैश लो लैंड. ऑप्शन लिखें फ्लैट, डी ऑप्शन पॉइंटेड, सी ऑप्शन लॉफ्ट आइस, डी ऑप्शन राउंड. राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्लैट. आगे बच्चों नंबर थ्री द फर्टाइल स्पॉट्स इन अ डेजर्ट इज कॉल्ड डैश. ऑप्शन ए प्लेन्स, डी ऑप्शन ऑइसिस, सी ऑप्शन माउंटेन्स, डी ऑप्शन हिल्स. राइट ऑप्शन है ऑइसिस, ओ ए एस आई. नंबर फोर कैनल्स आर नाउन एज द डैश ऑफ द डेजर्ट. ऑप्शन ए बस, डी ऑप्शन एरोप्लेन, सी ऑप्शन बोट, डी ऑप्शन शिप. राइट ऑप्शन है शिप. आगे नंबर फिफ्थ डैश इज अ मॉल्टन, एम ओ एल टी ई एन, मॉल्टन रॉक्स, द मेंटल ऑफ द अर्थ. ऑप्शन ए लावा, डी ऑप्शन एरियन ई आर ओ एस आई यू एन, सी ऑप्शन वोल्केनो, डी ऑप्शन नन ऑफ दी. राइट ऑप्शन ए है लावा. ये बच्चों हमारा यूनिट नंबर 16 कंप्लीट हो गया. मैंने क्वेश्चन आंसर आपको राइट करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव इसका करवाया है. ठीक है बच्चों, ये आपने अपनी नोटबुक्स पे काम करना है, सफाई से कीजिएगा और साथ साथ आपने इसे याद भी करना है. अपना ख्याल रखिएगा बच्चों. अल्लाह.